संविधान के अनुच्छेद 35 ए पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 4 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वी द सिटीजंस एनजीओ बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और वकील सुमित शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में महिलाओं के समानता के अधिकार का हनन बताते हुए इसे खत्म करने की गुजारिश की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर बंद बुलाया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अलगाववादियों को घरों में नजर बंद कर दिया गया, यासीन मलिक अंडरग्राउंड हो गया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, आर्टिकल 35 ए कई तबकों को उनके हक से महरूम करता है। भारत नेपाल मैत्री धर्मशाला का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे, आज सुबह 8 बजे पशुपतिनाथ मंदिर में कार्यक्रम। थाईलैंड के पीएम से भी पीएम मोदी की मुलाकात, कई और देशों के नेताओं से भी मिलेंगे। बिम्स्टेक सम्मेलन के आखिरी दिन आज संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा, दोपहर में होगी नेपाल के पीएम के साथ द्विपक्षीय बातचीत। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे पीएम मोदी, आज शाम करीब 4 बजे पहुंचेंगे मंदिर। बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी ने पड़ोसी सबसे पहले का नारा दिया, कहा आतंक से लड़ाई में भारत बिम्स्टेक देशों के साथ। पीएम ने कहा हम सभी देश सदियों से साझा संस्कृति के बंधन में बंधे हैं, हमारे बीच में सहयोग और समन्वय होना जरूरी है। राहुल गांधी आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रवाना होंगे, राहुल चीन तिब्बत के रास्ते से करेंगे यात्रा पूरी। अमर सिंह का आजम खान पर हमला, कहा मेरी कुर्बानी से बच्चों की जान बचती है तो मैं तैयार। मुलायम अखिलेश बड़े गुनहगार, आजम पर कार्रवाई नहीं करते। अमर सिंह ने कहा दाऊद और अबू सलेम आजम के आदर्श हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, गाएंगे पाकिस्तान का। सांसद अमर सिंह का आजम खान से सवाल, पूछा आजम मुजफ्फरनगर के प्रभारी फिर क्यों हुए दंगे, दंगों में बहने वाले खून ना हिंदू का था ना मुसलमान का। मार्च तक गंगा हो जाएगी 70% साफ, सरकार का दावा, गंगा में मिलने वाली नदियों से निकलने वाली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से चलाई जाएंगी बसें। वाराणसी के हल्दिया तक के जल मार्ग को किया जाएगा विकसित, बाद में जिसे म्यांमार तक विकसित किया जाएगा। वाराणसी से इलाहाबाद तक क्रूज शुरू किए जाएंगे, 60 रिवर पोर्ट को भी विकसित किया जाएगा। क्रूज इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज जर्गम बेलोम को बनाया कंपनी का प्रेसिडेंट और सीईओ, ऑस्ट्रेलिया से खरीदे शिप। बिहार में 2019 के लिए एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार, सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। जेडीयू के हिस्से में 12 सीटें आई हैं, जबकि एलजेपी को 5 और आरएलएसपी को 2 सीट मिलेंगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश होंगी राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी घोटाले का मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फतवों को गैरकानूनी करार दिया, हाईकोर्ट ने सभी फतवों को असंवैधानिक बताया। हाईकोर्ट ने कहा राज्य में सभी धार्मिक संगठनों, पंचायतों और दूसरे संगठनों को फतवे जारी करने की इजाजत नहीं है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत, विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी केशभाई पटेल के घर पहुंचे, बड़े बेटे की मौत पर दुख जताया, कुछ दिन पहले बीमारी से मौत हुई। अटल बिहारी वाजपेयी को बीजेपी काव्यांजलि देगी, अटल जी की स्मृति में 17 से 25 सितंबर तक सेवा सप्ताह। सेवा सप्ताह में गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा, हर लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन होगा। लखनऊ में बीजेपी विधायकों को योगी आदित्यनाथ ने रात्रि भोज दिया, विधायकों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक की। सीएम योगी ने विधायकों के साथ 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, केंद्र और राज्य की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को कहा।